में आप सबका स्वागत है। आज बनाएंगे हम पास्ता, नई एकदम नई रेसिपी लेके आए हैं हम। तो पास्ता बनाएंगे नई स्टाइल में, और आसान और सरल तरीका, नई उबालने की झंझट और नई किसी उसमें कच्ची सब्जियों से बनाएंगे पास्ता। सारा सामान ले लिया है, ये ले लिए मटर, ये मैंने 1 कप के करीब मटर ली है। ये धनिया लिया है, धनिया हम सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे। और ये मैंने 1 गाजर ली है, ये मैंने बारीक ऐसे चॉप कर ली है। और ये मैंने शिमला मिर्ची ली है 1, और ये भी मैंने चॉप कर ली है। और ये मैंने प्याज ली है, प्याज भी मैंने ये बारीक कट कर लिए चॉप करके। और ये मैंने टमाटर लिए हैं, टमाटर भी मैंने बारीक कट कर लिए हैं। और इसमें हम ढेर सारी सब्जियाँ डालेंगे, और सब्जी भी है। और ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये भी डाल दिया मैंने, जो हमने चॉप करी हुई प्याज ली थी ये हम इसमें डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने प्याज, जीरा तो हमारा भून चुका है, और ये प्याज है इसे हम भून लेंगे। प्याज का कच्चापन निकाल देते हैं, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं चाहिए, इसका बस कच्चापन सा ही निकल जाएगा। और ये हल्की हल्की क्रंची क्रंची सी हो जाएगी, जो खाने में भी टेस्टी लगेगी। ये हल्की सी क्रंची क्रंची सी हो चुकी है, और कलर भी इसका चेंज हो चुका है, इसका कच्चापन सारा निकल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, ये मैंने 2 टमाटर लिए थे, तो ये मैं 2 टमाटर डाल लेंगे इसमें। नमक ऐड करेंगे, नमक इसलिए ऐड कर रहे हैं ये टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। कलर भी चेंज हो चुका है और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, ज़्यादा हमें ये सॉफ्ट नहीं, हमें घोलने नहीं है कतई। मटर डाल रहे हैं, और मटर को भी अच्छी तरह से इसमें ही भून लेंगे। डालेंगे हम धनिया, ये धनिया डाल दिया हमने 1 छोटी चम्मच। डालेंगे हम मिर्ची, मिर्ची अपनी स्वाद अनुसार डालें। हल्दी, हल्दी हम इसलिए डाल रहे हैं कलरफुल बनाना है हमें, ये कलर वाली 1 छोटी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। और गैस को हमने मीडियम ही रखा है अभी। और देखो हमारा ये मसाला कितना जालीदार एकदम बढ़िया पक के तैयार हो चुका है, और इसका कलर भी मटर डाल के कितना अच्छा आया, कितना सुंदर। अब हम इसमें डालेंगे और सब्जियाँ, तो ये मैंने शिमला मिर्च ली है, ये डाल देती हूँ, डाल देती हूँ सब्जियों पत्ता गोभी ली थी, और ये मैंने बारीक ऐसे चाकू से कट कर ली है, तो ये बारीक है एकदम, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हो। और ये भी मैं डाल देती हूँ। सब्जियों वाला पास्ता इतना मस्त लगता है, जो बच्चे आपके सब्जी नहीं खाते, पत्ता गोभी हर कोई पसंद नहीं करता, तो ये भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स हो गई है, अब थोड़ी देर के लिए हमें इसे उबलने देते हैं। और ये मैंने धुल लिया है 2 बार, क्योंकि इसका गंदापन पानी निकल चुका है, मैंने ये निकाल दिया है, मैंने उबाली नहीं दी, ये पास्ता मैंने उबाला नहीं है। ये देखो अलमेठा वाला पास्ता है, ये कई तरह का पास्ता आता है, हमें इसे धुल के 2 मिनट के लिए मैंने इसमें पानी में रखा था, तो इसके जो गंदापन था वो निकल चुका है। अब मैं ये पास्ता डाल देती हूँ सारा इसमें, सारा पास्ता मैंने डाल दिया है, और इसको भी हम चला देते हैं। मैंने ये कच्चा पास्ता, आप सोच रहे होंगे कच्चे पास्ता क्यों डाला है, मैंने इसलिए नहीं उबाला क्योंकि सब्जी हमारी कच्ची है, तो ये पास्ता मैंने उबाल के नहीं डाला। एक अब जो मैं ये कच्चा गेर रही हूँ, इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, इसके पानी से बहुत अच्छा पक जाएगी उसके। और कप की मदद से इसमें पानी डाल रही हूँ, तो पानी हमें ध्यान से डालना है। तो मैंने इसमें 2.5 कप पानी डाला है, क्योंकि हमारी सब्जियां कच्ची हैं, तो इसलिए पानी इसमें ज़्यादा डलेगा, और ये सब्जी भी हमारी गल जाएगी और पास्ता भी आसानी से इसमें गल जाएगा। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हो इसमें पानी, क्योंकि सब्जी के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। तो मैंने नमक पहले डाल दिया था, ये नमक मैंने इसमें डाल दिया है,
आप अपने टेस्ट रिकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसे हम 5 मिनट के लिए तैयार हो गया है हमारा। और एक भी कच्ची सब्जी भी नहीं और भरपूर मात्रा की सब्जियाँ भी बहुत अच्छे, जैसे कि गोभी, फूल गोभी आती है, गाजर की मात्रा ज़्यादा रख सकते हो। और ये मैंने मैगी मसाला लिया है और ये मैं मैगी मसाला डाल रही हूँ इसमें, ये पाउच ये डाल दिया है मैंने। और इसको मिला देते हैं, मैं बाद में इसलिए डाल रही हूँ कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और गैस को कर देते हैं हम बंद। और इसमें डाल दिए मैंने थोड़ी सी और इसे हम एक बॉल में निकालेंगे। अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है और कितनी अच्छी मस्त एकदम हमारा पास्ता तैयार है, बच्चों का मनपसंदी वाला सब्जियों वाला पास्ता, 5 मिनट में झटपट वाला पास्ता। इतना मस्त, इतने मज़ेदार बनता है ये पास्ता, बहुत मस्त लगता है, बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, पत्ता गोभी नहीं खाते, मटर नहीं खाते, तो आप ऐसे पास्ता अपने बच्चों को बना के खिला सकते हो। बहुत अच्छा पास्ता बनता है ये। आपको हमारा पास्ता कैसा लगा है, हमारी वीडियो कैसी लगती है, आप हमको कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना हमारी वीडियो को, और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना हमको। धन्यवाद।